हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है और ये थाई रीजन में प्रेजेंट होती है। हर लॉन्ग बोन की तरह इसके भी तीन पार्ट है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। जो अपर एंड है उसके 6 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन और पोस्टीरियर सर्फेस पे इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ओके, जो हेड होता है वो बॉडी के मीडियली प्रेजेंट होता है, मतलब टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन प्रेजेंट होता है। और ये जो हिप बोन होती है उसके अंदर जाके ऐसा एसेटेबुलम में आर्टिकुलेट करता है और हिप जॉइंट बनाते हैं। ओके, ह्यूमरस का जो हेड होता है वो 1/3 स्पियर होता है। उसी तरह फीमर का जो हेड है वो मोर देन हाफ अ स्पियर है। इसके सेंटर में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको फोविया बोलते हैं। नेक 3.7 सेंटीमीटर्स का है और इसकी 2 बॉर्डर और 2 सर्फेसेस है। 2 बॉर्डर, ये अपर बॉर्डर और ये लोअर बॉर्डर, एंटीरियर सर्फेस और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सर्फेस। अब जो अपर बॉर्डर है वो हेड को ग्रेटर ट्रोकेंटर से कनेक्ट करता है और जो लोअर बॉर्डर है वो हेड को लेसर ट्रोकेंटर से कनेक्ट करता है। एंटीरियर सर्फेस हेड को इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन से कनेक्ट करता है और पोस्टीरियर सर्फेस हेड को इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट से कनेक्ट करता है। अब फीमर में 2 एंगल होते हैं, नेक शाफ्ट एंगल और एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्शन। नेक शाफ्ट एंगल मतलब नेक शाफ्ट के साथ जो एंगल बना रहा है 125 डिग्रीज का, इसको बोलते हैं नेक शाफ्ट एंगल। और एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्शन मतलब अब ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ अपर एंड और ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लोअर एंड मिलके जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं नेक शाफ्ट एंगल ऑफ फेमोरल टॉर्शन, जो होता है 15 डिग्री का। ओके, अब ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर एक क्वाड्रेंगुलर प्रोजेक्शन है और लेसर ट्रोकेंटर एक कॉनिकल प्रोजेक्शन है। ग्रेटर ट्रोकेंटर की एपेक्स होती है, एंटीरियर सर्फेस है जो रफ है, मीडियल सर्फेस है जहाँ पे इंटर ट्रोकेंट्रिक फॉसा प्रेजेंट है और पोस्टीरियर सर्फेस है जहाँ पे ऑब्लिक रिज प्रेजेंट होता है। इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर को जो एंटीरियर सर्फेस पे कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। पोस्टीरियर सर्फेस पे ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। इसके बीच में यहाँ पे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको क्वाड्रेट ट्यूबर्कल बोलते हैं, जहाँ पे क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल आके अटैच होती है। शाफ्ट, शाफ्ट जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और कॉन्वेक्स होती है, ऐसे कॉन्वेक्स होती है। इसको स्टडी के लिए हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है उसके 4 बॉर्डर और 4 सर्फेस होते हैं, मीडियल बॉर्डर के 3 बॉर्डर और 3 सर्फेस और लोअर बॉर्डर के 4 बॉर्डर और 4 सर्फेस। अब फीमर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ लीनिया एस्पेरा। पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ शाफ्ट पे हमको लीनिया एस्पेरा दिखती है, अपर सर्फेस ऑफ शाफ्ट पे लीनिया एस्पेरा डाइवर्ज होना शुरू होती है, मीडियल इस पे वो डाइवर्ज हो चुकी है और काफी प्रोमिनेंट दिखती है, और जो लोअर सर्फेस है वहां पे वो मीडियल लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन और मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन बनाते हैं, जो बीच में एक सर्फेस बनाते हैं जिसको बोलते हैं पॉपलिटियल सर्फेस। लोअर एंड, लोअर एंड के 3 पार्ट्स है, मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल और इंटरकॉन्डाइलर फॉसा। मीडियल कॉन्डाइल मतलब बॉडी के टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, हेड की तरफ जो डायरेक्टेड होगा एंटीरियर सर्फेस से उसको बोलेंगे मीडियल कॉन्डाइल, और जो हेड के अपोजिट डायरेक्टेड होगा एंटीरियर सर्फेस से उसको बोलेंगे लैटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर मीडियल एपिकॉन्डाइल और अडक्टर ट्यूबर्कल प्रेजेंट होता है, अडक्टर ट्यूबर्कल, और लैटरल कॉन्डाइल जो है उसके ऊपर लैटरल एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट होता है और एक पॉपलिटियल ग्रूव प्रेजेंट होता है। पीछे की तरफ इंटरकॉन्डाइलर फॉसा प्रेजेंट होता है जो 2 कॉन्डाइल्स को सेपरेट करते हैं। एंटीरियरली ये लिमिट हो जाता है बाय द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ पटेला, और पोस्टीरियरली ये लिमिट हो जाता है यहाँ से इंटरकॉन्डाइलर लाइन से जो 2 कॉन्डाइल को ज्वाइन करते हैं। ओके, उसके बाद में जो फीमर है ये नी ज्वाइंट बनाता है बाय आर्टिकुलेटिंग विद टिबिया, फिबुला के साथ ये आर्टिकुलेट नहीं करता है। तो जो एंटीरियर सर्फेस, ये आर्टिकुलर सर्फेस जो है इसका एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं पटेलर आर्टिकुलर सर्फेस, और जो पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको बोलते हैं टिबियल आर्टिकुलर सर्फेस। साइड डिटर्मिनेशन, साइड डिटर्मिनेशन ऑफ फीमर कैसे करेंगे, इसके लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड के एक एक पॉइंट है। अपर एंड जो है वो राउंडेड है और मीडियली डायरेक्टेड है बॉडी के, जो शाफ्ट है वो सिलेंड्रिकल एंड कॉन्वेक्स है, और लोअर एंड जो है वो वाइडली एक्सपांडेड है और 2 लार्ज कॉन्डाइल्स बनाते हैं।
तो ये थे फीमर के एक्सटर्नल फीचर्स। अटैचमेंट्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऑसिफिकेशन के लिए, सारी लोअर बोन के ऑसिफिकेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। थैंक यू।